हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लास। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यापम की ग्रुप फोर की एग्जाम के लिए जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट सिक्स देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने टोटल फाइव पार्ट्स अपलोड कर दिए। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप उन्हें भी देख लीजिए। और जितने भी हमारे न्यू मेंबर्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा, मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सचिन सिलावट है और आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं मैथ के टॉपिक वाइज वीडियो कवर करवा रहा हूं। तो दोस्तों, आपको वहां हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। मैं वहां डेली एक टॉपिक कवर करवा रहा हूं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमें अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स, आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो करिए, क्योंकि वहां पर मैंने व्यापम की ग्रुप फोर के एग्जाम में पूछे गए रीजनिंग और हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कशन किया है, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप वहां से भी जाकर आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। अब दोस्तों, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें कि निम्नलिखित स्थानों में से कहां साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो दोस्तों, ऑप्शंस क्या है, चेन्नई है, कोलकाता है, पटना है और नई दिल्ली है। तो दोस्तों, साहित्य अकादमी जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। और अब इसकी हम अगर स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो स्थापना हुई थी या गठन हुआ था, कब हुआ था, 12 मार्च 1954 को इसका गठन हुआ था। 1954 को क्या हुआ था, साहित्य अकादमी का मुख्यालय का गठन हुआ था, जो कि 12 मार्च 1954 को हुआ था। दोस्तों, हो सकता है इससे कि आपसे सन पूछ लिया जाए। अगर आपसे पूछा जाता है कि साहित्य अकेडमी का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में, इसका गठन कब हुआ था, तो 12 मार्च 1954 को इसका गठन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान कुंभ मेले से संबंधित नहीं है। मतलब आपको चार ऑप्शन दिए और पूछा है कि कुंभ के मेले से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों देखो, हरिद्वार, तो हाँ हरिद्वार कुंभ के मेले से संबंधित है, यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, इलाहाबाद में भी लगता है और उज्जैन में भी लगता है। दोस्तों, वाराणसी में जो है वो कुंभ का मेला नहीं लगता है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा जाएगा, फोर। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2016 में उज्जैन में क्या लगा था, कुंभ का मेला लगा था। ठीक है, अगर उज्जैन में कब लगा था पूछा जाता है तो क्या होगा, 2016 इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 1981 में मध्य प्रदेश में ध्रुपद केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था। दोस्तों, यहां पर आपको क्वेश्चंस में ही सन दे दिया गया है, तो आपको यहां पर याद कर लेना है कि मध्य प्रदेश में ध्रुपद केंद्र कब स्थापित किया गया था। दोस्तों, तो 1981 में, लेकिन कहां पर स्थापित किया गया था ऑप्शन, तो दोस्तों ऑप्शंस में क्या है, उज्जैन है, इंदौर है, कटनी है और भोपाल है। तो ये ध्रुपद जो केंद्र है वो भोपाल में स्थापित किया गया था। और दोस्तों, ये क्या है, एक संगीत अभ्यासशाला है। ध्रुपद केंद्र क्या है दोस्तों, ये एक संगीत अभ्यासशाला है। कभी आपसे पूछा जाता है किससे संबंधित है ये, तो किससे संबंधित है दोस्तों, संगीत से संबंधित है। और इसकी स्थापना पूछी जाती है तो क्या होगा, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहां पर स्थित है, तो कहां पर है दोस्तों, भोपाल में स्थित है ध्रुपद केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है। तो दोस्तों अशोक चक्र में जो है कितनी तिल्लियां होती है दोस्तों, 24 तिल्लियां होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहां पर क्या गिवन है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पहचान है। मतलब आपको चार ऑप्शन दिए और यहां पर आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के इसमें से कौन व्यक्ति थे तो पहले राज्यपाल थे। तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, पट्टाभि सीतारमैया, पंडित रविशंकर शुक्ल, शंकर दयाल शर्मा और कुंजी लाल दुबे। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे वो थे पट्टाभि सीतारमैया, इसके राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है। यहां पर क्या बोला दोस्तों, नहीं बहती है, मध्य प्रदेश से होकर कौन सी नदी नहीं बहती है। तो चंबल, तो चंबल मध्य प्रदेश में बहती है, महानदी भी मध्य प्रदेश में बहती है, नर्मदा भी मध्य प्रदेश में बहती है। तो दोस्तों फिर ऑप्शन फोर यहां से क्या हो जाएगा, इस राइट आंसर, ये जो है मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। और इस नदी को क्या है कि दक्षिण की गंगा कहा जाता है, कावेरी नदी को, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, कावेरी नदी को। तो दोस्तों कभी कभी बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो क्या होगा, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है कि भगोरिया मध्य प्रदेश के किस जनजाति का समुदाय का नृत्य, मतलब किस जनजाति समुदाय का नृत्य है। तो दोस्तों ऑप्शंस क्या है, भील है, गोंड है, बेगा है और सहारिया। तो दोस्तों भगोरिया जो नृत्य है वो भील जनजाति का नृत्य। और दोस्तों ये जो नृत्य है ना, ये कब होता है दोस्तों, तो ये होली के उत्सव पर होता है। मतलब होली का जो उत्सव होता है ना,
तब ये नृत्य किया जाता है। और ये किसका नृत्य है, तो भील जनजाति का नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको व्यापम के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, आपकी व्यापम की ग्रुप फोर की एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन या डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी, और आपको ऑप्शन दिए हुए क्या है कि केरल में पल्लीवासल या तमिलनाडु में पईकारा, आंध्र प्रदेश में निजाम नगर या कर्नाटक में शिवना समुद्र। तो दोस्तों ये जो भारत की पहली परियोजना थी वो क्या थी, कर्नाटक में थी, शिवना समुद्र थी। और दोस्तों इसका जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1970 को इस परियोजना की स्थापना हुई थी। दोस्तों आपसे अगर स्थापना पूछा जाता है तो क्या होगा, 1970, और पूछा जाता है कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी, तो कौन सी थी, मध्य प्रदेश में शिवना समुद्र परियोजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क भारत का सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क है, तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का, मुदुमल्लाई नेशनल पार्क तमिलनाडु का, या हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड का, या कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का। नेशनल पार्क भारत का जो सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क है वो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ का दोस्तों, उत्तराखंड का है। और अब हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों ये जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। मतलब कहने का मतलब है कि सबसे सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना पूछी जाती है आपसे, तो इसकी स्थापना भी मैंने आपको बता दी क्या है, 1936 इसकी स्थापना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है, मतलब भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है, तो दोस्तों ऑप्शंस क्या है, वेल है, रिवल डॉल्फिन है, या गोल्ड फिश है, या मगरमच्छ है। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जंतु है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, रिवर डॉल्फिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज का रंग क्या है, तो दोस्तों ऑप्शंस यहाँ पर क्या है, सफेद है, हल्का नीला है, लाल नीला या सफेद, या नेवी ब्लू। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के जो ध्वज का जो रंग है वो है हल्का नीला रंग है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कल जो इससे पहले वाले पार्ट मैंने अपलोड करा था, तो मैंने वहां पर बताया था कि जो यूएन दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर, ये अगर आपसे पूछा था कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज का रंग कौन सा है दोस्तों, तो आपको मैंने बता ही दिया हल्के नीले रंग का ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ऑप्शंस में क्या है, 15 जनवरी है, 5 जून है, और 26 अगस्त और 10 जुलाई। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। और दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी, विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई थी 1973 से इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब 5 जून 1973 से क्या है कि पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा है। और दोस्तों यहाँ पर हम विश्व पर्यावरण दिवस की बात कर रहे हैं, तो आपसे पूछा था कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो फिर क्या आपका आंसर होगा, 5 जून 1973 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करें तो क्या है कि निम्न में से किस संस्थान में भारत सरकार द्वारा परम ईशान सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का आरंभ किया गया है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, परम ईशान और ये क्या है, सुपर कंप्यूटर है। तो दोस्तों ऑप्शंस में क्या है, आईआईटी इंदौर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी या आईआईटी गांधीनगर। तो दोस्तों परम ईशान सुपर कंप्यूटर की शुरुआत जो हुई थी वो आईआईटी गुवाहाटी में हुई थी। और दोस्तों ये गुवाहाटी कहाँ पर है, असम राज्य में पड़ता है दोस्तों, ये असम राज्य में गुवाहाटी। तो यहाँ पर इस कभी पूछा जाता है कि किस राज्य में है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर, असम इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि मध्य प्रदेश पहले कैसे जाना जाता था, मतलब मध्य प्रदेश जो पहले कैसे जाना जाता था, तो ऑप्शंस क्या है, नेफा, तो दोस्तों नेफा जो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है, उसके बाद निजाम का शासन, मध्य प्रांत और बरार, या संयुक्त प्रांत। तो दोस्तों मध्य प्रदेश को पहले जो है वो मध्य प्रांत और बरार के नाम से जाना जाता था, मतलब जो 1956 के पहले जो है मध्य प्रदेश को इस नाम से जाना जाता था, मध्य प्रांत और बरार के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी अलवण जलीय झील कौन सी है, मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है, भारत की पूछा है दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी अलवण जलीय झील कौन सी। ऑप्शंस क्या है दोस्तों, चिल्का झील है, वुलर झील है, पोवई झील है, या डल झील है। तो दोस्तों जो भारत की अलवण जलीय झील जो है वो कौन सी है दोस्तों, वुलर झील है।
और दोस्तों यहाँ ये जो झील है वो कहाँ पर है दोस्तों? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में ये झील है, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, वुलर झील। तो दोस्तों यहाँ पर अगर पूछा था कि कौन से राज्य में है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जम्मू कश्मीर इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो करिए, क्योंकि वहां पर भी मैंने व्यापम की प्रीवियस एग्जाम ग्रुप 4 में पूछा गया रीजनिंग के टोटल 10 पार्ट्स और जीके के हिंदी के टोटल मैंने 5 पार्ट्स अपलोड कर दिए, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वहां से भी जाकर आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। दोस्तों फॉलो करने से ये होगा कि मैं वहां पर भी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके भी सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।